हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपको स्वागत है। आज के वीडियो सीरीज में हम गणित के अंतर्गत पढ़ेंगे एक घाती और द्विघाती समीकरण के अनुप्रयोग या प्रयोग। इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं इसमें मैं चर्चा करूंगा और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ये अंगणित के अंतर्गत, सॉरी बीजगणित के और अंगणित, हाँ बीजगणित के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसमें वेरिएबल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे संख्याओं में प्रश्न जो बनते हैं, संख्या संबंधी प्रश्न भी इसको कहते हैं आप। तो कैसे प्रश्न बनते हैं एक घाती द्विघाती में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई स्कूल स्तर की जो गणित है उसके अंतर्गत ही यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसके हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ में ध्यान रखनी है, उसके बाद कुछ प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, इसमें ध्यान देने वाली बात इसमें आप रखेंगे कि यदि दो संख्याओं का योग एस है, यदि दो संख्याओं का योग S है, और अगर पहली संख्या दी है उनमें से एक संख्या, या पहली संख्या कोई उनमें से एक संख्या दी है X, उनमें से एक संख्या X दी है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स जो उनका योग है उनमें से आप X घटा देंगे, S माइनस X, तो फ्रेंड्स ये दूसरी संख्या हो जाएगी। तो सम ऑफ टू नंबर्स एस है और पहली संख्या एक्स है, तो एस माइनस एक्स यहाँ पर दूसरी संख्या होगी, तो ये आप ध्यान देंगे। जैसे दो संख्याओं का योग 50 है और उनमें से पहली संख्या अगर 40 है तो दूसरी संख्या 50 माइनस 40 10 होगी। सिंपल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसमें विशेष ध्यान देंगे इसके लिए, इसमें जो प्रश्न बनते हैं इस तरीके से ही बनते हैं। और अगर आपको दो अंकों की संख्या माननी है तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि दो अंकों की संख्या को, यदि दो अंकों की संख्या जिसमें इकाई दाई होती है, दो अंकों की एक संख्या को आप मानेंगे 10x+y। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या को 10x+y माना जाता है, जहाँ पर होता है फ्रेंड्स y इकाई अंक होता है, y यहाँ पर इकाई अंक होता है और x यहाँ पर दहाई अंक होता है, इसलिए यहाँ पर x दहाई के साथ गुणा हुआ है। अगर इकाई अंक यहाँ 1 है और दहाई अंक 2 है तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 × 2 = 20 और 1 = 21, यहाँ पर 21 हो जाएगी फ्रेंड संख्या दो अंकों की। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कभी भी दो अंकों की संख्या माने तो 10x+y मानेंगे आप, जहाँ पर y इकाई अंक होगा और 10 जहाँ पर 10th प्लेस है उसके साथ आप दूसरी संख्या का गुणा, दहाई का गुणा कर देंगे, क्योंकि दहाई का अर्थ 10 से होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो प्रश्न आगे मैं बताऊंगा इसमें प्रश्न बनेंगे। तो आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, एक घाती समीकरण किसे बोलते हैं जहाँ पर एक घात होती है, जैसे एक्स माइनस टू या 2 × x + y = 0 इत्यादि, कुछ भी कोई भी समीकरण है या कोई भी समीकरण होती है या कुछ भी दिया है कि 2 × x + y = 2 × y + 3। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर x वेरिएबल है, इसको चर राशि कहते हैं। चर राशि वे राशियाँ होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, एक्स वाई जेड का मान बदलता रहता है, कभी x का मान 1 आएगा कभी 2 आएगा, और अचर राशि उनको बोलते हैं जिनका मान नहीं बदलता है, 1, 2, 3, 4, 1 का मान हमेशा 1 ही है, ये अचर राशि है। और मतलब नहीं, चर मतलब बदलने वाली, अचर और चर में यही अंतर है, ABCD XYZ ये सब अचर, ये सब चर राशियां हैं, इनका मान बदलता रहता है। और आप ध्यान देंगे, जिन चर राशियों घात एक होती है वो एक घाती कहलाती हैं, जैसे x की पावर 1, मतलब x या y या z एक घाती समीकरण है, और द्विघात समीकरण जहां पर x की दो घातें होंगी, जैसे x² + 4x + 2 = 0। तो यहां पर x² है, यहां पर x की दो घातें हैं, तो इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण में x के दो मान आते हैं, हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड, द्विघात समीकरण x के दो मान आते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस बेस प्रश्न बनते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम एक घाती समीकरण पढ़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक घाती समीकरण के जो प्रश्न है इसको एग्जाम में हम कैसे करें और इसकी भाषा कैसे समझें और कैसे गणित में इसको लिखें, तो आप समझ गए होंगे एक घाती समीकरण के अंतर्गत कैसे प्रश्न बनते हैं, अचर राशि क्या होती है, चर राशि क्या होती है, आप समझ गए होंगे इसको। चर राशि जिनके मान बदलते रहते हैं, अचर राशि जिनका मान नहीं बदलता है, अ का अर्थ है नहीं बदलना, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रश्न ले लेते हैं हम, इसके प्रश्न पर हम बात करेंगे ताकि और स्पष्ट आपको हो जाए। तो प्रश्न एक इसका ले लेते हैं, प्रश्न एक है इसका, मैं बुक से ले लेता हूं एक प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं इस प्रश्न में एक बात बताऊंगा जो कि आपको पता नहीं होगी। इसमें देखिए, मैंने प्रश्न लिखा है और इसको हम कैसे समीकरण में ढालें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जिनकी मैथ्स कमज़ोर है या जिनको परेशानी होती है वो कैसे समझें। तो मैं आप उनको आज इजीली आप इनको बताऊंगा कि हम कैसे समझें, ये मैंने स्वयं अनुभव किया है और गौर किया है इस पर। आप देखिए, वह संख्या जिसका दो गुना उसके दो तिहाई से 80 अधिक है,
एक संख्या आपने माननी है एक्स। आप एक चीज ध्यान देंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर देखिए फ्रेंड, बहुत संख्या के बाद मैंने कॉमा लगाया है, और गणित में जहां पर कॉमा दिख जाए उसका अर्थ बराबर से आप लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गणित की भाषा में हम उस समीकरण को कैसे पहचाने, कैसे ढाले। जहां पर कॉमा लगा हो वहां पर बराबर, आप जैसे परसेंटेज के प्रश्न होगा किसी संख्या का 10% कॉमा उसका पांच, उसके 5% के बराबर है, तो जहां पर कॉमा होगा वहां पर आप बराबर रखेंगे तो गलत वो नहीं आएगा, आप गणित की भाषा में उस समीकरण को ढाल पाएंगे। ये आप आज नोट कर लीजिए, ये आप आज नोट कर लीजिए, और आपने नोट कर लिया होगा तो बहुत संख्या, कभी भी बहुत संख्या, किसी संख्या, जिस संख्या कभी भी आए उसका मान x होता है, और कभी भी किस संख्या का की के का की के कुछ भी आए तो उसका अर्थ गुणा होता है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, यहाँ पर आप गणित से पहले कुछ चीज़ हमें समझने वाली होती है कि कॉमा का अर्थ बराबर से लेंगे और का की के का अर्थ लेंगे। फ्रेंड्स आप, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, का की के का अर्थ लेंगे गुणा से, और पंचमांश, जैसे पंचमांश दसवां भाग, शतांश पंचमांश होगा 1/5, पाँचवा भाग मतलब पंचमांश मतलब पाँचों अंश, अगर शतांश पूछेगा तो 1/100 अंश, शतांश शतांश धन अंश सवा अंश, दसमांश पूछेगा तो 1/10 भाग, छठवां भाग पूछेगा 1/6, चौथाई 1/4 होता है, आधा 1/2 होता है, तिहाई 1/3 होता है। तो इन चीज़ों को आप समझिए, इन चीज़ों को आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक इन प्रश्नों को आप नहीं कर पाएंगे। तो एक घातीय समीकरण में आपने इन चीज़ों को याद रखना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप ये समझ होंगे कि पंचमांश, शतांश, आठवां भाग, छठवां भाग क्या होता है, दो गुना, चौगुना, पाँच गुना, गुना जब भी आए गुना करें, अगर ज़्यादा आएगा तो प्लस करेंगे, जैसे दो ज़्यादा है तो +2, दो कम है तो -2, दो गुना है तो गुणा दो, तीन गुना है तो गुणा तीन। आप इसी को समझेंगे, बेसिकली आप इसको समझेंगे और आराम से आप करेंगे, समझ में आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए भाषा को। तो वह संख्या एक्स जिसका दो गुना, किसका दो गुना फ्रेंड, इस संख्या का दो गुना, इस संख्या का दो गुना कितना होगा 2x, वह संख्या जिसका दो गुना, फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमा, सॉरी यहाँ पर नहीं, कॉमा यहाँ पर लगा है इसमें, प्रश्न में यहाँ पर लगा था, मैंने गलती से यहाँ पर लगाया है, वह संख्या एक्स मैंने माने जिसका दो गुना, अब मैंने बराबर दो गुना कर दिया, अब आप कॉमा देखिए और बराबर लगाइए, इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि ध्यान रखिए फ्रेंड्स कॉमा का अर्थ केवल हिंदी में अल्पविराम से नहीं होता है, गणित में भी इसकी कोई भाषा है, गणित में इसकी भाषा ये है, अगर कॉमा ना भी दिया हो तो आपकी प्रैक्टिस सवाल में इतनी होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पर रुकना है, कि वह संख्या जिसका दो गुना, हाँ यहाँ पर आप रुकिए और तब बराबर लगाइए, अगर कभी कॉमा ना दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमा का अर्थ बराबर से होता है, कि वह संख्या जिसका दो गुना, वह संख्या एक्स थी जिसका दो गुना 2x था, बराबर हो जाएगा कॉमा है उसके दो तिहाई से, किसके दो तिहाई, जो मैंने एक्स माना था, एक्स का दो तिहाई क्या होगा, एक्स का दो तिहाई, किस संख्या का दो तिहाई में गुणा 2/3 कर दो, और कितना ज्यादा है 80 ज्यादा है, 80 गुना होता तो गुणा 80 होता, लेकिन 80 अधिक है बोला तो अधिक के लिए हम प्लस करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समीकरण समझ में आया होगा कि इस समीकरण को हम कैसे बनाएंगे, इस समीकरण को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वह संख्या जिसका दोगुना, एक्स का दोगुना 2x, कॉमा है फिर बराबर है उसके, किसके, उस संख्या के उसके, उस मतलब संख्या के मतलब गुणा दो तिहाई, दो ये है तिहाई, तीन नीचे से, 80 अधिक, अधिक के लिए प्लस किया, 80 प्लस अधिक कर दिया। आप समझोगे फ्रेंड्स इजीली, आप समझ, आपको बता रहा हूं, 2x इज इक्वल टू दो एकम 2x/3 धन 80। तो अच्छा ये रहेगा फ्रेंड्स, आप x वाले टर्म एक साथ सॉल्व करो और y वाले टर्म एक साथ सॉल्व करो। तो देखिए फ्रेंड्स आप इसका पक्षांतर कीजिए, इसको 2x+3 पूरा यहां लिया है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 2x-3 इज इक्वल टू 80। तो यहां से फ्रेंड्स सॉल्व कीजिए, 3 × 6x-3 × 6x में से 2x गया 4x, 3 × 6x में से 2x गया 4x, 3 ऐसे रहेगा बराबर 80 ऐसे रहेगा, इस 3 को यहां डालिए आप गुणा में चला जाएगा ये, और यहां से ये मिट जाएगा, और इस 4 से 80 कट जाएगा, 4 × 8 20 बार, और x बराबर हो जाएगा 20 × 3 = 60। तो अर्थात वो संख्या फ्रेंड्स 60 आई थी जिसका दोगुना, जिसका दोगुना उसके दो तिहाई से 80 ज्यादा है। तो आप समझोगे ये समीकरण बनाना इसमें इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इस प्रश्न को आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न, देखिए फ्रेंड दूसरा प्रश्न कैसे करें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए एक घातीय समीकरण के अंतर्गत मैंने एक प्रश्न लिखा है कि वह संख्या जिसमें 70 घटाने पर कॉमा, या नहीं भी कॉमा हो तो आप रुकिएगा यहाँ पर, आप थोड़ा समझिए प्रैक्टिस के बाद, वह संख्या जिसमें 70 घटाने पर वह उसके एक तिहाई के बराबर होती है, वह किसके, अब समझ में आएगा, वह संख्या एक्स मैं मान लेता हूँ, वह संख्या जिसमें 70 घटाने पर, इसमें 70 घटा दीजिए, घटा दिया, कॉमा लगा है बराबर कर लीजिए,
वह उसके किसके स्वयं संख्या के x के, x के उस तो संख्या हो गया k गुणा हो गया एक तिहाई कर, तो एक बट तीन गुणा हो गया, तो x माइनस 70 बराबर x एकम x बट तीन, ये इसकी समीकरण है। और जो समीकरण ये कर लेंगे वो प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए हल कर लेते हैं, ये x वाले टर्म है, ये x वाले टर्म है, 70 को उधर ले जाइए और x माइनस 3 को इधर ले आइए, तो x माइनस 3 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 70 बराबर के इस तरफ गया तो ये बराबर प्लस का 70 हो जाएगा, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद देखिए तीन एकम तीन एक्स में से एक एक्स गया, दो एक्स बट तीन बराबर 70, तीन को यहाँ डालिए गुणा में चला जाएगा, और एक्स का मान निकालना, दो यहाँ बटे में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे उसको करें, नीचे वाली चीज़ इधर चल जाती है और इधर वाली चीज़ नीचे आ जाती है, दो से कटेगा 70 फ्रेंड्स 35 बार, और x बराबर होगा 35 थी 5 थी 15 3 थी 9 और 1 10 105, तो फ्रेंड्स वो संख्या 105 है, वह संख्या जिसमें 70 घटाने पर उसके एक तिहाई के बराबर हो जाती है वो। तो आप इसको समझ गए फ्रेंड्स, उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। उत्तर की जांच कैसे करें, आप संख्या की जगह x मान ली, यहाँ पर इसमें मान रख लीजिए 105 का, तो 105 में से 70 घटाया बराबर 105 का एक तिहाई इसके बराबर होना चाहिए, तो उत्तर की जांच आप कर लीजिए, 3 3 9 1 3 5 15 35 ही आएगा, 105 में 70 गया 35 ही भी आएगा, तो 35 बराबर 35 अर्थात उत्तर हमारा सही है। तो आप ध्यान देंगे एक घातीय समीकरण में किस तरीके के प्रश्न करने हैं, तो आपको ये समझ में आया होगा उम्मीद है फ्रेंड्स। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट, किसी संख्या का आधा भाग, फिर कॉमा लगा है, हम आराम से कर रहे हैं, किसी संख्या का आधा भाग कॉमा उसके नौवें भाग से 35 ज्यादा है, तो किसी संख्या आएगा, वह संख्या आएगा, कोई संख्या आएगा, कुछ भी आएगा, एक्स मान लिए, किसी संख्या का आधा भाग, ये लो कॉमा बराबर आधा भाग बटे दो होता है बराबर कॉमा की जगह, उसके किसके संख्या के नौवें भाग कितना हुआ एक्स गुणा एक बटे नौ या एक्स एक्स बटे नौ से 35 ज्यादा है प्लस 35, बस इतनी सी बात, और गणित बिल्कुल आसान। तो देखिए फ्रेंड्स गणित कितना आसान विषय है, आप आराम से कर पा रहे होंगे, अगर आप गणित की भाषा सीख गए तो फ्रेंड्स आप सब कुछ सीख जाओगे, अगर आप गणित की भाषा को पहचान पाए। तो किसी संख्या का आधा उस संख्या के नौवें भाग से 35 ज्यादा है, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स एकम एक्स बटे नौ बराबर प्लस 35, 35 ज्यादा है। अब x वाला हमें इधर नहीं चाहिए इधर चाहिए, तो फ्रेंड इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस का x अपॉन 9 इज इक्वल टू 35, प्रश्न नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद कभी भी भिन्न काम करते हैं सॉल्व, तो एलसीएम लेते हैं, 2 और 9 का एलसीएम 18 आएगा, 2 का भाग 18 में 9 बार गया, 9 एकम 9x माइनस 9 का भाग 18 में 2 बार गया, 2 एकम 2x बराबर 35, तो फ्रेंड 9 में से 2 गया होता है 7x बराबर 35 बटे भी 18 भी है यहाँ, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान होना चाहिए 7 से 35 आप काट लीजिए, 7 पंजे 35, 18 को यहाँ गुणा में ले आइए आप, 18 पंजे 90 हो जाएगा, तो x बराबर 18 यहाँ चला गया, 18 पंजे 90, तो वो संख्या 90 आई फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, संख्या पद्धति के इन प्रश्नों को आप जरूर देखिए और वीडियो सबको बताइए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आएगा आपके। अभी इसमें और टाइप के प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उम्मीद है आपको भी प्रश्न समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं इनके इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स इसके अन्य प्रश्नों के साथ भाग दो की वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए स्टडी विद देवली के साथ, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।